हेलो गाइस, और आप सभी का स्वागत है आइकॉन न्यूज चैनल में। और आज की टॉपिक का नाम है डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ, और ये है हमारी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं हूं निशा फातिमा और आप देख रहे हैं आइकॉन न्यूज चैनल। हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस टीम मेंबर का। हमारे साथ पक्षी दल से है मिस आलिया और मिस सना, और विपक्षी दल से है मिस्टर अदनान। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहले हम प्रश्न करना चाहती हूँ पक्षी दल से कि क्यों जरूरी है डिजिटलाइजेशन इन ह्यूमन लाइफ। हमारे देश में डिजिटलाइजेशन का लॉन्च 7 साल पहले हुआ। डिजिटलाइजेशन का पहला एक सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोडक्टिव प्रोग्राम है जो हमारे देश में डेवलप कराता है। बहुत पहले डिजिटलाइजेशन इंडिया में नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं हो रहा था, बट थोड़ा हार्ड हो रहा था। और जब से इंडिया में डिजिटलाइजेशन आया है, सब काम इजीली और सेफ्टी से हो रहा। पहले हम लोग को बिजली बिल, बैंक में पैसा जमा करने के लिए, गैस में नंबर लगाने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब से इंडिया में डिजिटलाइजेशन आया है, हम लोग का काम बहुत आसानी से हो रहा है, घर बैठे सेफ्टी से हो जा रहा है, समय का भी बहुत बचत हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन जब से हमारे देश में आया है, उसका सबसे बड़ा योगदान बीजेपी सरकार का रहा है, क्योंकि उन्होंने इसे लॉन्च किया था 2014 7 अगस्त को, और उनकी वजह से भी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीजमेंट आया है और डेवलपमेंट आया हमारे कंट्री में। ऐसा नहीं है कि पहले रूरल और अर्बन एरियाज में डिजिटलाइजेशन नहीं था तो काम नहीं हो रहा था। अब तो जगह जगह पर रूरल अर्बन एरियाज में बड़े बड़े छोटे छोटे साइबर कैफे खुल गए हैं, जिससे हमारे ऑनलाइन वर्क में बहुत आसानी हो रहा है। और हम लोग हर वर्क अपने घर बैठे भी आसानी से कर रहे हैं ऑनलाइन वर्क। जो तो मिस सना, मिस आलिया, मिस्टर अदनान, बताइए कि ये जो डिजिटल एरा है, इसमें हमारा फ्यूचर, इकोनॉमिक और एजुकेशन सेफ है या नहीं सेफ है? बिल्कुल सिक्योर है। हम अपने घर पे बैठकर भी, अगर किसी के पास साधन नहीं है, उतना इकोनॉमिक वो स्ट्रांग नहीं है कि कहीं अगर बाहर पढ़ने नहीं जा, या किसी के फैमिली में होता कि नहीं हम मैनेज कर नहीं पाने के लिए। क्योंकि पहले क्या था कि बैंक में हमको जाकर पैसा लगाना पड़ता था, और पहले क्या हम किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसा चला जा रहा है हमको मालूम नहीं होता। लेकिन अब मेरे हाथ में कि हम किसको भेज रहे, कितना भेजे, वो मेरे हाथ पर डिपेंड है। पहले क्या था कि किसके अकाउंट में कितना पैसा चला था, वो हमको कुछ मालूम नहीं चल रहा था। और अब समय आने के कारण डिजिटल इंडिया बड़े कारण और पता चल रहा है कि हम किसको कितना भेजे, नहीं भेज रहे, वो सेफ्टी हो गया। सही बात है, ये बैंक आजकल सारे हिस्ट्री हम अपने जीवन से अगर हम अपना सारा कुछ ऐड कर लेते हैं, तो उसका सारा हिस्ट्री हमेशा के लिए रहता है। बहुत सारी फैमिली मौत के लिए दूर दूर भेज कर नहीं पढ़ देते, तो घर में बैठ कर भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, उससे जॉब भी कॉन्टेस्ट पास सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो क्यों हुआ ये? इंडिया में डिजिटलाइजेशन आने के कारण ही है। टेक्नोलॉजी से क्या क्या नुकसान है बताता हूँ। टेक्नोलॉजी आया जिससे क्या नुकसान हुआ? जब इससे पहले जब बहुत सारी जब गाड़ियाँ आती थी, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, तो लोग खुद से अभी के टाइम में क्या कि टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारे लोगों को उस तरह से अभी अवेयरनेस नहीं आया है कि जो हेल्पर में जो भी स्किल है, उन लोगों के पास स्किल नहीं है कि अपनी गाड़ी को किस तरह से बनाए, क्योंकि डिजिटल आ गया है। लेकिन डिजिटल आने से पहले अवेयरनेस तो सरकार दी नहीं है कि किस तरह से किसको हैंडल करना है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा रेशियो में है देश में, एम्प्लॉयमेंट तो बना नहीं रही है, गुड एजुकेशन मिल नहीं रहा है। माने डिजिटल आने से, सपोज मैकेनिकल इंजीनियर की बात किया जाए, तो मैकेनिकल इंजीनियर भी कम जा रहे हैं, तो कम जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे भाई? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, डिजिटल आ गया, ज्यादा इन्वॉल्व है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। गाड़ी बहुत सारी बन के चली आ रही है बहुत सारी कंपनियां से, लेकिन इंडिया में डिजिटल आने के कारण ऐसा नहीं है। जब से डिजिटलाइजेशन आया है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की, लेकिन आप कुछ दिन पहले का ही देख लीजिए, कोरोना टाइम में, पहले ही देख लीजिए कोरोना टाइम में, जो भी जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वो घर बैठकर भी इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे थे, उनका सैलरी आ रहा था। तो जब एजुकेशन रहेगा तो हम डिजिटल के साथ रहेंगे ना, हम बहुत सारे लोगों की स्किल उभर के आई है। सिर्फ हम अपने बारे में नहीं सोचें, डिजिटल आ गया तो खुद के बारे में नहीं सोचे, एक अच्छे नागरिक यही पहचान है, सबके बारे में सोचे। अभी क्या कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां बन गई है, इंडस्ट्री बनने से क्या क्या नुकसान, कि जब इससे पहले लोग गांव-गांव से लोग विलेज से जाकर लोग काम किया करते थे, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल मशीन आने की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि फैक्ट्री बन गई है, फैक्ट्री में भी बहुत सारी मशीन तैयार हो गई, एक मशीन कम से कम 1000 पीपल का काम करती है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है डिजिटल आने से।
लोगों का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि हम देश को लेकर चलें, ना कि सिर्फ डिजिटल को लेकर चलें। डिजिटल से हमारा देश डेवलप नहीं होने वाला है, सिर्फ डिजिटल आ गया। डिजिटल देश जब डेवलप होगा, जब हम आप सब डेवलप होंगे, तब कह सकते हैं कि देश डेवलप है। ये नहीं कह सकते डिजिटल आ गया, डिजिटल आ गया, डिजिटल से कोई फायदा नहीं। फर्स्ट थिंग, अभी 5G आने वाला है। 5G आने वाला तो क्या लगता है आने वाले टाइम में कुछ इसका प्रोटेक्टेड है? कुछ नहीं है। सिर्फ 5G आने से कैसे कह सकते हैं कि एक्सीडेंट मिस मिस सना एक सेकंड, जहां 10 लोग काम करते थे, डिजिटलाइजेशन होने की वजह से, डेस्कटॉप होने की वजह से, कंप्यूटर होने की वजह से, ये मिनी रोबोट होने की वजह से, अभी हाल फिलहाल में 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आने वाली है, तो इसकी वजह से वो 10 या 100 के लोगों की नौकरी को खा ले रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। ये मिस्टर अदनान कह रहे हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि सब प्रोटेक्टेड नहीं है? हो सकता है 4G 4G है, 4G का है। मान लीजिए आपके पास एयरटेल सिम है, जियो सिम है, आपके पास तो टावर है, इसका प्रोटेक्टर कहाँ के रेडिएशन को रोक रहा है? कोई ऐसा नाम बताइए टेक्निकल के भाई, टेक्निकल चीज इसको रोक रही है रेडिएशन को? नहीं, कुछ नहीं रोक रहा है। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? एक मिनट, मिस्टर आसा, जैसा कि आपने कहा कि इको फ्रेंडली नहीं है, यस, बट जैसे पहले पेपर प्रोसेस होता था, अब इस पे थोड़ा, उसमें क्या था कि पहले हम लोग को पेपर पर लिखना पड़ता, उसको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता, पर पोस्ट ऑफिस से कुरियर होता, मतलब हम लोग को जो काम एक घंटा वो एक काम में हो रहा था, लेकिन इंटरनेट के थ्रू जो काम हमको एक घंटा में करें वो सेकंड और मिनट में हो जाए। पहले हमको बहुत टाइम लगता था, कुरियर करना पड़ता था, जमा करना पड़ता था, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू लोगों तक पहुंचता, लेकिन हम अब डायरेक्ट किसी पर पहुंचा सकते। हमको अगर आप पर करना तो हम आप पर डायरेक्ट, तो जैसे पहले हम लोग का पेपर वर्क ज्यादा होता था ना, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता था, जो भी होता था पेपर वर्क, उसके वजह से बहुत से जगह पे, मतलब जंगलों में पेड़ काटा जाता था, बहुत सारे, मतलब हाई अमाउंट में, हाई क्वांटिटी में पेड़ को काटा जाता था, जिससे हमारा मतलब एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूटेड होता था, उसके वजह से ट्री को हम सेव नहीं कर पाते थे, सॉइल इरोजन होता था, ठीक है। जब से डिजिटलाइजेशन आया है तब से इसका बहुत सारा सेविंग हुआ, हम लोग का एटमॉस्फेयर भी सेव रहता है। इन्होंने बोला कि डिफॉरेस्टेशन होता था, तो डिफॉरेस्टेशन अभी ज्यादा हो रहा है, प्लांट की कटाई अभी हो रही है। अब कैसे हो रही है कि अब बात किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप की या स्कूल की, कहीं कहीं हॉस्टल हॉस्पिटल बिल्डिंग की, तो क्या हो रहा है कि प्लांट को काटा जा रहा है, बड़े बड़े ट्री को काटा जा रहा है, जो हमारे बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन दे रही है। तो क्योंकि डिजिटल आ गया, डिजिटल आ गया मीन्स मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को टावर बैठाना है, तो टावर बैठाने के लिए क्या कर रहा है कि प्लांट को काट रहा है, ट्री को काट रहा है, तो डिजिटल के कारण, डिजिटल नहीं आता तो ये नुकसान नहीं था। और दूसरी चीज नुकसान ये है कि आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल बनाए, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे डिजिटल लोग लगा रहे हैं, लोग अब दिन प्रतिदिन लेजी हो गए, नहीं जितना लगाना चाहिए वो लग ही नहीं रहा पेड़। और आप अभी भी आप WHO का रिपोर्ट जानिएगा, आपको नॉलेज होगा, तो लेट मी कंप्लीट प्लीज, अभी अभी कंप्लीट करने दीजिए। WHO का अभी भी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि आने वाले 2 या 3 सालों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही कि नेट नहीं होता है, तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन नेट आने की वजह से हमारे देश को बहुत सारी फॉर कमिंग ईयर्स जो बड़े बड़े समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेट आ गया है, ये डिजिटल आ गया है। डिजिटल की वजह से आप मान लीजिए हॉस्पिटल बनाइएगा, स्कूल बनाइएगा, तो हर जगह लाइट बना दे रहे हैं, सब कुछ बनाते रहे, तो इससे क्या कि आप डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे मान लीजिए पेड़ पौधा है, जिससे हम लोगों को फायदा है, बॉडी फिट है ड्यू टू प्लांट ड्यू टू ट्री, ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है, लेकिन क्या कि डिजिटल आ गया है तो हम प्लांट को काटते जा रहे हैं, ट्री को काटते जा रहे हैं, जिससे भारी नुकसान। और ये नहीं कि अभी नुकसान है, आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। और आप बात कर रहे थे कि अभी भी कोरियर कर दिया जाता है, डायरेक्ट कर दिया जाता है, नहीं ऐसा नहीं, आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, इस नहीं है कि आप डायरेक्ट कर दीजिएगा घर बैठ के किसी भी चीज को करिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट का रूल यही है कि आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, पहले हर काम के लिए करना पड़ता था, लेकिन अभी कुछ कुछ के लिए करना पड़ता है। मेरी सिस्टर आप बात समझिए, आपको अभी भी स्पीड पोस्ट कोरियर में 2 चीज है, कोरियर ये होता है कि जैसे आपको टाइम टेकिंग ज्यादा लगता है, ठीक है, और स्पीड, लेकिन सामान तो आपको प्रोडक्ट लेके जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि आप डिजिटल से फोन में डालिए वो डायरेक्ट पहुंचेगा, नहीं, आपको स्पीड पोस्ट के लिए जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, फिर भी वो टाइम सेविंग है ना, पहले के टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम मिनट वन मिनट। कुछ समय पहले जब IIT संस्था का उद्घाटन हो रहा था, तो उस वक्त नीतीश कुमार वहाँ उद्घाटन पे गए थे और उन्होंने स्पीच दिया था कि पहले के वक्त में क्या होता था कि चिट्ठियों, जैसे आपने बताया मिस्टर अदनान की चिट्ठियों को पहुँचने में काफी वक्त लगता था, आपने बताया मिस सना कि अब बहुत ज्यादा इजी मोड हो गया कि 7 समंदर पार, जैसे इंटरनेशनली हमको टॉप करना होता है या बात
वीडियो चैट करना होता तो हम इजीली कर सकते हैं, अपना प्रभाव सोच सकते हैं, संबंध बनाए रखते हैं। इस टॉपिक पे नीतीश कुमार ने बोला कि वो अपना पर नहीं मिल पा रहा है जो पहले मिलता था, फिजिकली बात करके, फिजिकली मिल करके वो चीज नहीं मिल रहा है, एंड वो पर्सनल ग्रोथ नहीं, लेकिन इंटरनेट के थ्रू जो बात नहीं हो पा रहा था वो तो बात हो जा रहा है ना। अब देखिए पहले चिट्ठी के थ्रू बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब अपना बात किसी को बताने के लिए बहुत कम समय में कर सकते हैं। क्या क्या नुकसान अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि फ्रॉड कॉल आता है ड्यू टू इंटरनेट। आप क्या क्या होता है कि आप जब मान लीजिए कहीं सिम ले गए किसी दुकान पर, तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स वो ले लिया। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद क्या होता है कि आपको तो डॉक्यूमेंट्स लिया तो सब चीज़ आपका अपने पास हो रख लिया। जब आप सिम लीजिएगा तो जाहिर सी बात उसके पास नंबर होगा, तो फ्रॉड कॉल अपने करे या ना करे, जिस जो हैकिंग करता है उसके थ्रू फ्रॉड कॉल कराएगा आपका फ्रॉड। अभी ज़्यादातर आप जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दे सकते हैं कि इसका केस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आज डिजिटल नहीं आता तो ये सब केस नहीं होता। डिजिटल आने से ही पुलिस स्टेशन में इस तरह का केस दिख रहा है डे बाई डे। बहुत सारे ऐसा फोन में आ गया कि आपको कुछ दिखाया जाएगा, टॉकिंग फीचर है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपको तो अपने आप में लगता है कि ठीक हम बात कर रहे हैं, कोई हमारी फ्रेंड है या जो भी हो, लेकिन ड्यू टू नेट से बहुत ज़्यादा लग जाकर फंस जा रहा है, क्योंकि नेट में समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है, लेकिन जब दिखता है सामने तो कुछ फ्रॉड निकलता है, क्योंकि नेट नहीं होता तो सब कुछ ठीक रहता है। अब मान लीजिए कहीं जाना है आपको तो ठीक है नेट से जा सकती है, पर उस वक्त टाइम का जो बचत थी वो भी तो सिर्फ टाइम को नहीं देखना, अपनी लाइफ को सिक्योर देखना। टाइम इज मनी, आई एग्री विद यू, बट मान लीजिए हमारा कोई पर्सनल थिंग्स है किसी के पास चला जाता है तो टाइम फिर क्या बचा, टाइम से कोई मतलब ही नहीं है। तो सब कुछ सेफ्टी से करना चाहिए। तो यस, इसी से तो नुकसान है ना, आप एग्री है कि नहीं? डिजिटल नहीं आता तो ये नुकसान नहीं होता किसी के पास। अच्छा मान लीजिए हम ऑफलाइन, जब इससे पहले नेट नहीं था तो किसी के पास हमारा सामान जाता था, कोई पैन कार्ड हमारा को ले लेता, आधार कार्ड हमारा को लेता, नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, कैसे ले लेता, वो तो हमारे पास था। आप बाहर ही लेके जाते, बाहर को मेरे पास रहता ना, जो आपको नहीं पता हमारे में छा सकता है। अभी क्या किसी और से काम करवाते थे ना, अब जब फोन पे कीजिएगा तो आपका ट्रांजैक्शन आईडी चला जाएगा किसी के पास भी, और जो मेन फोन पे चलाता है जो वो डिजिटल के अंडर में, वो चाहेगा तो आपकी सारी चीज, ऐसा होता नहीं है, एकदम हो रहा है, फोन पे के जरिए हैक हो रहा है, आपको ऐसा फ्रॉड कॉल आ रहा है। बहुत सारे कॉल सेंटर की बात किया जाए तो फेक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में लोग फॉरेन कंट्री से लोग बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा केस सुनने को मिला नहीं। आप अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, आप पता कीजिए कि इससे किस तरह से फ्रॉड कॉल हो रहा है, किस तरह से लोग फंस रहे हैं। आपका फेसबुक आईडी बना दिया जाएगा आपके, आप ही के नाम से दूसरा कोई बना देगा, आपका फोटो को जूम अप कर देगा। यस सर, स्टे मी रेट कंप्लीट। आपका मान लीजिए सब कुछ फेसबुक आईडी है, जो भी आपका नाम है, तो आपके नाम को क्या करेगा दूसरा बंदा कि कंप्लीट कर लेगा, अपने आप फेसबुक आईडी कंप्लीट कर लेगा, आपका फोटो डाल देगा, आप ही का नाम लिख देगा, और करेगा क्या वो कि आप ही के जो फ्रेंड है उसी को नाम निकाल कर है उसके पास मैसेज करेगा। जैसे मान लीजिए आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है तो उसको मैसेज करेगा, भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, सब आई एम हॉस्पिटल, सो प्लीज गिव मी 5,000 10,000। ऐसा केस हुआ नहीं, वो कॉल yes, करेंगे ना, क्या कॉल करेंगे, तो जाने हमारे क्लोज आदमी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसा हो चुका है हमारे फ्रेंड के साथ, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन है क्या डिजिटल डिजिटल नहीं आता तो ऐसा नहीं होता। अवेयर सिर्फ डिजिटल को लेकर नहीं कर सकते हैं, अवेयर बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं कि अवेयरनेस अवेयरनेस ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है कैसे भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिटल आ गया, डिजिटल नहीं आता तो लोग इस तरह से लोग करते नहीं। अभी ज्यादातर लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे बहुत नॉलेज भी तो होता है। सिर्फ नॉलेज क्या नॉलेज, फेसबुक आया, फेसबुक अब दिन भर चलाएगा, कोई भी चीज लिमिटेड है, अब अनलिमिटेड यूज कीजिएगा तो भारी नुकसान है, वो खुद पे डिपेंड होता है, आप खुद कह रहे हैं आप खुद ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि फेसबुक से इंस्टाग्राम और जो भी है, और आपको फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, और आपको बहुत सारे ऐप लोग चला रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम से नुकसान है, नॉलेज के लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप वहां से पढ़िए, आप शिक्षक से गए फेस टू फेस नहीं पूछ सकते, लेकिन आप क्लास में गए, आप शिक्षक से पूछ भी लिए फेस टू फेस, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप इंटरनेट के थ्रू घर आके भी समझ सकते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लोगे विस्तार से, समझिए मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछने की, ये हमारा भारत का संविधान आजाद है, आजादी देता है कि आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कहीं भी रहें आप कुछ भी बोल सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर। ऐसा नहीं है कि आप सर जाइए क्लास तो सर पूछने की आदत नहीं, आप दूसरी कोचिंग जाइए, तो एक दो जगह जा रहे हैं ना, तो हमको वहाँ पैसा भी देना
जाना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट पे क्या है कि कोई से प्लेटफॉर्म इंटरनेट आप चला रहे हैं तो क्या आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता? अभी के टाइम में लोगों को 300 का रिचार्ज करना पड़ता है तब जाके फोन चलता है स्मार्टफोन, लेकिन आप 300 में जाके पढ़ाई कर सकते हैं पूरा सब्जेक्ट की, समझ? ये ऑफलाइन में फायदा है। आप अभी 300 का रिचार्ज कीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ फोन पे देखिएगा, यूट्यूब पे सिर्फ बर्गर चीज या फिर जो भी तो बात भी तो कर सकते हैं आप। टीचर से कितना पूछिएगा, जितना क्लास यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम इंडिया का, इससे पहले भी लोग आईएएस बना विदाउट डिजिटल विदाउट इंटरनेट आराम से आईएएस बना। अब तो ज्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रहा है। हम आपके सामने बैठे हैं, हम आपके सामने बैठे तो ये बोलते हैं कैसे हम आपके सामने बिहेव करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन जाते हैं क्योंकि हमारे सर फर्स्ट गार्जियन घर के होते हैं, ऑनलाइन डिजिटल नहीं होता, फिर टीचर होते हैं गार्जियन, हमसे बड़े होते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो विदाउट इंटरनेट यही सब सीख सकते हैं। मान लीजिए कि हम सिर्फ मान लीजिए जब से हमारी बर्थ हो और लास्ट हम इन्वॉल्व रहेंगे इंटरनेट में, तो हम रिस्पेक्ट भी नहीं जानेंगे कि अब क्या रिस्पेक्ट है, किससे कैसे बात करना, ये फोन नहीं सिखा सकेगा किसी को। लेकिन ऑफलाइन एक ऐसी चीज है कि आप स्कूल जाएगा तो आपको बिहेवियर पता चलेगा, आपको डिसिप्लिन पता चलेगा, रूटीन पता चलेगा कि क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि ऑफलाइन ही में ये फायदा है। डिजिटल से तो लोग देश भी बर्बाद हो रहा है और लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, और मेन बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इससे पॉल्यूशन का क्या कैसे है? बहुत सारी गाड़ियां हैं, ऐसा नहीं कि अभी के टाइम डिजिटल आ गया तो पूरी चिमनी बंद हो गई, चिमनी से गैस निकल रहा है, उससे भी पोल्यूशन हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट। ऑफलाइन स्टडी में मैंने बताया कि आप क्वेश्चन किसी भी टीचर से इजीली पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग है कि आप रूटीन में बने रहेगा टाइम टू टाइम। एंड थर्ड थिंग ये है कि आप हाउ टू टॉक टू ईच अदर, मतलब किसी से कैसे बात करना है, ये ऑनलाइन स्टडी में एकदम नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं मिलने वाला। ऑफलाइन स्टडी में सर बताते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, कैसे बैठना है, किस तरह से क्वेश्चन अराइज करना है, किसी के ऑफलाइन स्टडी में यह फायदा है। विदाउट एनी इंटरनेट, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसके बावजूद भी हम अच्छा बिहेव सीख रहे हैं, अच्छा नॉलेज ले रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ। और एक चीज और है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई एजुकेशन नहीं है, कहीं पर भी कोई एजुकेशन नहीं मिला। तो आप यहाँ पे और बोल रहे हैं कि पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाता है। यस, आप ही बताइए कि आप कॉलेज में क्लास एक सेकंड में सना एक सेकंड पर्सनल ग्रोथ का जो ये कोर्स होता है, ये काफी सारी संस्थाएं इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती हैं ऑनलाइन। अगर इसे हम इंटरनेशनली भी करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पे मिस्टर अदनान और भारत बोल रहे हैं कि हाँ पर्सनल ग्रोथ नहीं होते, हाँ फिजिकली अगर कोई चीज करवाना है तो वो 100% की जगह 50% हो सकता है, ठीक है, बट इसको टोटली आप रॉन्ग नहीं कर सकते। आप कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं तो क्या आप डायरेक्ट ऑफलाइन करवाते हैं पहले ऑनलाइन करवाते हैं, ये बताइए आप। बहुत सारे ऐसे कॉलेज में है जहाँ पर ऑफलाइन होता भी है तो पहले ऑनलाइन करवाना पड़ता है तभी ऑफलाइन होता है, यही तो टाइम टेकन ज्यादा है। ये इस तरह से टाइम पहले क्या था कि अब लोग उसमें क्या है कि हम दूर दूर में जैसे हमको करवाना है रांची दिल्ली कॉलेज में एडमिशन, तो वो हम अपने घर से भी बैठ के अपने घर के पास से ही साइबर कैफे से करवा सकते हैं। लेकिन इसमें डाटा हैक का भी डर रहता है ना, जब ऑनलाइन हम कोई प्रोसेस करते हैं तो इसमें डाटा हैक का भी प्रॉब्लम रहता है। वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप सेफ्टी कर रही है या आप अनसेफ्टी कर रही है, वो आप पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सब का है। आप बोल रहे हैं कि डिजिटल हो गया है, देश डिजिटल होता जा रहा है। देखिए एग्जांपल मैं देता हूं, आधार कार्ड पेपर मोड जब था तब उस वक्त क्या मतलब लॉसेस होते थे, इससे पहले जब अकाउंट लोगों के पास रहता था तो बहुत लोगों का अकाउंट सेफ रहता था। कैसे नहीं सेफ रहा, आप कैसे बोल सकते हैं, पहले आप बैंक में कंप्लीट डोंट एंटर मी एंड जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले आधार कार्ड जो था डिजिटल नहीं था, वो वोटर आईडी कार्ड उससे भी डिजिटल नहीं था, पैन कार्ड, अभी क्या है कि सब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है। तो अभी लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हैकिंग कर रहे हैं, हैक क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ओटीपी पता चल जाता है, अपना आप अकाउंट किसी को देते हैं। जैसे मान लीजिए फोन पे आप कर रहे हैं तो कहीं पे जाइए तो फोन पे कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं पे आपको दिखा लेगा कि आपके अकाउंट में पैसा जा चुका है, लेकिन जाता नहीं, सिर्फ शो अप रहता है। तो ये इससे नुकसान है और लोग जहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होगा तो थोड़ा तो लॉस होगा ना, तो यही तो नुकसान है। आप अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन में विदाउट डिजिटलाइजेशन का नुकसान ये सब नहीं था, अब नुकसान ये होते हैं। आप एडमिशन की बात की तो एडमिशन आपको बता, पीएम मोदी ने जब इस चीज को दिया डिजिटल इंडिया को जब डेवलप करने का सोचा, इसका जब संगठन बैठाया, ठीक है, तो उन्होंने
अवेयरनेस और एजुकेशन को माइंड में रखते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया। अब लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन को आप ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे तो फिर तो अभी इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग है मींस कहने का मतलब विकासशील देश में नहीं गिनाया था, विकसित नहीं हुई है, विकासशील है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। ये भी डिजिटल इंडिया आने से ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा कुछ फायदा हुआ है। और एडमिशन की जहाँ तक बात करें तो उसमें बहुत सारे नुकसान है। अब क्या होता है कि अपना आधार कार्ड और वोटर जो भी कुछ अपना ऑनलाइन अब जब पेमेंट कर देते हैं स्कूल्स को कॉलेज को, तो ऐसा नहीं कि सब कॉलेज में विश्वास कर सकता। उनके पास क्या आता है कि अपना ईमेल जो सब कुछ चला जाता है मेरा डॉक्यूमेंट्स, उससे वह हैकिंग के जरिए दिक्कत होता है। जैसे हमारे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किसी भी इंसान को मतलब ऑनलाइन जब पेमेंट कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल उसके पास। तो अगर आपको वैसा डर है तो आप ट्रस्टेड लोगों के पास जाइए। तो इस यही तो नुकसान है। क्या फायदा अगर किसी कॉलेज में जा रहे हैं और उस कॉलेज के वेबसाइट पे अगर आपको कोई फंड देना है, जमा करना है, ठीक है, तो आप ट्रस्ट किस पे कीजिएगा? आप कॉलेज पे ना ट्रस्ट करके जा रही है तो कॉलेज के ही फंड आप डाल रही है तो फिर आप किसी और पर ट्रस्ट क्यों कीजिएगा? अगर आप किसी और पर ट्रस्ट कीजिएगा तो ये नुकसान है। तो आप ऑफलाइन कर दीजिए। यस, ऑफलाइन ही तो बेस्ट है। यस, विदाउट डिजिटलाइजेशन इज वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर आपको डेट बहुत सर से ऐसा नहीं कि ऑफलाइन एंड सेकंड थिंग, अभी बहुत सारे जो बच्चे जो बर्थ लेते हैं, अभी क्या होता है कि डिजिटलाइजेशन से कैसा नुकसान मैं बता रहा हूँ। जब बच्चे खाना खाने के लिए भी जाते हैं, जब पढ़ते भी हो तो उनको डिजिटल चाहिए, नेट चाहिए। जब गेम नहीं खेलेंगे तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, तो वो फैमिली पर डिपेंड करता है। ये फैमिली पर डिपेंड नहीं, क्यों नहीं कैसे करता है? नो डिजिटलाइजेशन आ गया जिसकी वजह से बच्चा बर्बाद हो रहे हैं। ये डिजिटलाइजेशन की वजह से बच्चे नेट की वजह से बच्चा अपने आप को बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेट आ गया ना डिजिटलाइजेशन। आप सब पेरेंट्स को समझना चाहिए, बहुत चीज लग रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे अभी मोबाइल का नहीं देख के खा रहे या मोबाइल का देख कर नहीं खेल रहे। ऐसा पहले के एरा में ऐसा भी तो होता था, जब डिजिटलाइजेशन इतना एक्सपैंड नहीं किया था उस वक्त, ये भी तो होता था कि जब बच्चे खेलते थे तो रात में भोर में किसी वक्त भी, सुबह का वक्त किसी वक्त भी वो खेलने के निकल जाते थे, मदर घर से बाहर रहती थी। कहां सामने बच्चे जब 4 बजे के टाइम में खेलने जाते थे तो वो खेलते नहीं है। एज ए बहुत सारे गेम है, फ्री फायर, पबजी, विद द हेल्प ऑफ नेट एवरी टाइम वी प्ले। फ्री फायर के बारे में क्यों डिजिटलाइजेशन आ गया? नेट नहीं आता तो ये नुकसान नहीं होता। सबकी सोच सेम नहीं हो सकती है, लेकिन हम सबका हैंडल तो नहीं कर सकते है ना। वो पेरेंट्स को होना चाहिए ना कि वो अपने बच्चे को संभाले टाइम टू टाइम। इसलिए पहले के टाइम में जब ऑफलाइन स्टडी थी, जब नेट नहीं था, अवेयरनेस थे। अभी के टाइम में बीमारी बढ़ रही है, इसका कारण क्या, प्रमुख कारण क्या भाई? जब डिजिटल आ गया है, जब आपके मोदी जी डिजिटल ला दिए हैं, बहुत बेनिफिशियल है देश को। लेकिन यही कोरोना काल में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? डिजिटलाइजेशन की वजह से कुछ नेट से कोई फायदा नहीं हुआ, सबसे बड़ा फायदा इसी का था। आप देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं, आप हॉस्पिटल में कभी आया तो अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में जो लैकनेस आई वो कितनी ज्यादा इंक्रीज कर। यस यस, मैं भी यही कह रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, डिजिटल आने से एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिला। ऐसा नहीं सरकार दावा कर रही है कि हम इतना नौकरी देंगे तो वो दे दे, अब इतना करोड़ों का आबादी है तो सबको नहीं दे सकते हैं, दावा कर रही है सबको देना पॉसिबल नहीं है। वो आधा वो तो हर महीने महीने साल साल बिजनेस निकलता ही है। गवर्नमेंट सिर्फ डिजिटल लाने से नहीं होगा, उसको चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको, ना कि ये डिजिटल पर ध्यान देना पड़ेगा, इंटरनेट पर ध्यान पड़ेगा। क्योंकि जब इंक्रीजमेंट हो रहा पॉपुलेशन का तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन सरकार क्या कि सिर्फ डिजिटल लाने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं खत्म होने वाला, सिर्फ डिजिटल आने से लोग बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि ज्यादातर वो रोजगार की ओर जा ही नहीं रहे, क्योंकि आज नेट आ गया, नेट में लोग इन्वॉल्व है। तो नेट के हेल्प से कितने एम्प्लॉयमेंट मिल रहे ये भी तो आप देखिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो डिजिटल एरा है, डिजिटलाइजेशन है, वो एजुकेशन, इकोनॉमिक और हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर है कि नहीं है, ये बता।
जैसे कि आजकल रूरल जगह पे भी स्कूल्स वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ भी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, कंप्यूटर लैब, ये सब का सुविधा दिया जा रहा है जिससे सभी विद्यार्थी को पढ़ने में आसानी हो रहा है। तो बताइए मिस्टर अदनान, क्या आप इनकी बातों से सहमत है? नहीं, इनकी बातों से मैं टोटल सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात यह है कि डिजिटलाइजेशन आने से क्या क्या नुकसान हुआ देश में। फर्स्ट ये कि ये इन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स को बहुत सी दिक्कत है, तो किसी भी चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। तो इफ आई टॉक, मान लीजिए डिसएडवांटेज होता है, पर इसके एडवांटेज तो जैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो सो मेनी पीपल आर डिसेबल्ड विद दिस पेन बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज बिकॉज दे आर लेजी पर्सन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड सेकंड थिंग्स, बहुत सारे जो लेबर हैं जो बिलोंग करते हैं फार्मर्स, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब बात की जाए, जब डिजिटलाइजेशन नहीं था तो बहुत सारे फार्मर लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोज़गार इजीली मिल जाता था। और आज मशीन आने से नुकसान ये है कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण ये भी नुकसान है। और दूसरी बात ये भी बात बताया जाए कि पहले के टाइम में क्या था कि बहुत सारे लोग फिजिकली फिट रहते थे, बट ये डिजिटली आने से आज लोग फिट नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि लोग ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं, नेट में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पर इस बात को भी हम झुठला नहीं सकते हैं कि दुनिया आज के समय पे उम्र को नहीं हुनर को सलाम करती है। ठीक है, तो 100 साल की जिंदगी से क्या फर्क पड़ता है कि जब हम कुछ आए कुछ किए नहीं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, लेकिन पहले की बात ये थी कि एजुकेशन की जो हाई क्वालिटीज होती थी उसमें पेरेंट्स का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी था, जिससे क्या था कि जो पूर था और पूर होते चले जा रहे थे और रिच थे और रिच होते चले जा रहे थे और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती ही चली जा रही थी। जितने सारे स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हैं, सब स्टूडेंट्स जो है धीरे धीरे क्या एक्टिव नहीं और डिसएक्टिव होते जा रहे हैं, कि उसका मुख्य कारण ये है कि ज़्यादातर टीचर जो है सब ऑनलाइन होमवर्क सेंड कर देते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को फेस प्रॉब्लम करना पड़ता है। दोनों डिजिटल आने से हर फील्ड में इक्वालिटी बढ़ा है, जैसे गर्ल्स हो या बॉयज हो, पुअर हो या रिच हो, सब में इक्वालिटी आया, एजुकेशन भी आया उसमें। जैसे कि हम अगर चाह के भी किसी अच्छे शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं, वो शिक्षक यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो दूर में रहते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन इंडिया में आने के थ्रू हम उस टीचर से पढ़ सकते हैं, वो चाहे दूर हो चाहे वो नजदीक हो, हम अच्छा अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डिजिटल इंडिया में डिजिटल आने से हम ऑनलाइन पेमेंट भी उस शिक्षक को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आई विल एड फर्दर पॉइंट एंड थिंग्स, इफ आई टॉक अबाउट मोबाइल, तो मोबाइल से रेडिएशन बढ़ रहा है, जिससे आप हमारी बॉडी को ये बहुत भारी नुकसान है। आप ऑलवेज आप क्या अपनी पॉकेट में फ़ोन रखते हैं, जिससे रेडिएशन होता है, आपको बॉडी को नुकसान हो सकता है। रेडिएशन बढ़ता जा रहा है, इससे पहले बहुत सारी जो पक्षियाँ थी वो भी खत्म हो गई। इसका मुख्य कारण ये भी है कि नेट है, नेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत सारी पक्षियाँ खत्म हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन आने के कारण ही रेडिएशन बढ़ा, वैसे तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन से भी हम लोग को बीमारियाँ हो रही है। ऑपरेशन होता था तो वो हैंड से होता था, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ते थे बॉडीज में। अगर सारा कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ सही है, तो वो फिर इन्फेक्शन की वजह से उनको प्रॉब्लम होता था, उनकी डेथ भी हो सकती थी, होती भी थी। लेकिन अब क्या हुआ, सारे कुछ मशीन से डिजिटलाइज्ड है, सब कुछ मशीन से हो रहा है आजकल, तो उसमें और हम अपने बॉडी का हर कुछ देख सकते हैं, कोई सा भी प्रॉब्लम है, कोई सा भी छूट भी जाता था, न्यू डिजीज आ रहे हैं, तो वो सब कोई मतलब मशीन से देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, बॉडी का सर्वे हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है आजकल मशीन जो डिजिटलाइज्ड है, स्कैन हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, बहुत कुछ। डिजिटल से कैसे क्या नुकसान है ये मेडिकल एंगल में बताता हूं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब ऑफलाइन स्टडी आप पढ़ते थे, मान लीजिए कि हमको नीट का एग्जाम देना है तो ऑफलाइन डिग्री लेते थे। मैं वहीं आ रहा हूँ। मान लीजिए कि जब ऑफलाइन थे तो एक्चुअल डॉक्टर बनते थे, जब अभी के टाइम में किस तरह से ये डिजिटल का लोग यूज कर रहे हैं, जो बैड एक्टिविटी हो रही। पहले क्या था कि जो डॉक्टरी की डिग्री होती थी वो सही होती थी, अभी क्या होता है नेट की वजह से लोग स्किप कर देते हैं नाम को,
इरेज करके लोग ऑनलाइन नेट से क्या करते हैं, गूगल से अपनी डिग्री निकाल लेते हैं बहुत सारे लोग। और ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन एग्जाम देकर भी नुकसान कैसे, वो पढ़ाई खुद से अच्छे से करते हैं, मान लीजिए इन फ्यूचर आने वाले समय में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अभी अभी मशीन से ऑपरेशन करें तो वो सक्सेस है, वो सक्सेस एकदम नहीं है, लेकिन जो पहले का ऑपरेशन हुआ करता था वो एकदम सक्सेस हुआ करता था, और कभी किसी तरह कोई नहीं कर, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते मशीन से सक्सेस हो रहा, कोई सक्सेस नहीं है। इन्फेक्शन से जब इससे पहले अभी क्या भी छूट जाते हैं, अभी के टाइम के डॉक्टर जो बन रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो मान लीजिए कि प्रैक्टिस करके, डायरेक्ट प्रैक्टिस करके किसी के थ्रू जाके चैम्बर में बैठ रहे हैं, वो सही नहीं है। जब ऑफलाइन जब नेट नहीं था तो लोग खुद से पढ़ते थे, खुद से डिग्री जाके लिया करते थे किसी भी इंस्टीट्यूट से। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कह सकते हैं मेडिकल लाइन में, बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर है जो मान लीजिए नेट के थ्रू अपने नाम को इरेज कर किसी का और अपनी डिग्री बना लेते हैं। पर आखिर में मैं और पूरी हमारी टीम ये जानना चाहती है कि इस फील्ड में डिजिटलाइजेशन, डिजिटल एरा, इस फील्ड में क्या अडॉप्ट करना चाहिए और किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिनी रोबोट 5G आना एक्सपेंड होना बाकी ही है। जैसे कि हम लोग अपने इंटरनेशनल कंट्रीज में, जैसे मुस्लिम का होली प्लेस है मक्का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बिग एरिया है, वहाँ पे साफ सफाई क्लीन लाइननेस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल मॉपिंग मशीन है, ठीक है, उससे खुद ब खुद सारा कुछ हो जा रहा है जिससे हमारे टाइम की सेविंग हो रही है। और ड्रोन भी आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बड़े बड़े एरियाज हैं, तो ऊपर से अगर वीडियो हम लोग को लेना है या कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग ड्रोन यूज कर रहे हैं। इस चीज से मैं भी सहमत हूँ कि 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स में और ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिजिटल आने से तो लोगों को फायदा होगा लेकिन इसका प्रोटेक्शन नहीं है, तो सरकार को इसके ऊपर अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और हर जगह जगह पर रेडिएशन का प्रोटेक्टर टावर लगाए जिससे आने वाले, तो सरकार खर्च तो कर ही रही है, यस प्रोटेक्शन रेडिएशन टावर लगाए जिससे आने वाले कमिंग ईयर फॉर कमिंग ईयर लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े। क्योंकि डिजिटल हम कह सकते हैं कि डिजिटल ठीक है, अच्छी चीज़ है, लोगों को काम दे, फ्यूचर सही है, लेकिन इसका सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि इस पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा हो, करते ये हो क्योंकि ये हर जगह यूजफुल चीज़ है लेकिन इसका प्रोटेक्शन नहीं है, तो सरकार इसके लिए प्रोटेक्शन लगाए हर जगह जगह पर रेडिएशन को रोकने के लिए। लेकिन सरकार चाहेगी तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, ख़त्म करते हुए भी लोगों को फायदा दे सकती है डिजिटल का। और जुड़े रहिए हमारे साथ, जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।